कि uh, मेरे नानी के घर में एक खीर बनती थी और नवरात्रे के दिनों में तो न, जब भी हम वहाँ जाते थे इन दिनों में तो हम नानी से हमेशा यही पूछते थे कि नानी आपने साबूदाना फ्रूट खीर बनाइए उनके फ्रिज में हमेशा ये होती थी और हम बहुत मज़े से वो खीर खाते थे तो अभी ये जो है साबुदाना पक चुका है और मैंने पहले से काट लिए हैं कुछ फ्रूट्स एप्पल जो भी फ्रूट्स आपके घर में अवेलेबल हो, ग्रेप्स और अनार ये सब जो है इसमें जाएगा एक बोल में कम्बाइन होकर और साथ में थोड़ी सी पाउडर्ड शुगर या शक्कर या हनी जो भी आप डालना चाहें आजकल कल गार्डन में बहुत सी बीज आ रही हैं बहुत से फूल खिले हुए हैं ये प्याज के फूल हैं याद मुझे आपको ये दिलाना था कि चटोरी चितना को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो यार बेलाइकन पर भी क्लिक कर लेना तो अब समझ में आया ना क्यों बना रही हूँ मैं ये वीडियो सेल्फिश रीजंस के लिए मुझे अपनी यादें ताज़ा करनी है नानी तो रही नहीं तो ये रेसिपी बना के मैं उनको भी याद कर रही हूँ पकने के बाद साबूदाना ऐसा हो जाता है इसमें से ना निकाल लो इलायची जो तो डाली थी शुरू में और अब इसमें आपको अपने लाइकिंग के हिसाब से कंसिस्टेंसी लेकर आनी है मैंने एक बोल में इसे डाल लिया है अब इसमें मैं डालने वाली हूँ पाउडर्ड शुगर वैसे तो फ्रूट्स के अंदर अपना भी मीठा होता है लेकिन बच्चे नहीं खाते तो इसके अंदर हनी शक्कर या कुछ भी शुगर इस तरह से डालनी पड़ेगी अच्छी तरह से मैंने मिला ली है और इसके अंदर अब मैं फ्रूट्स डाल रही हूँ एप्पल डाला है जी ग्रेप्स डाले हैं और अनार डालूंगी अनार भी डाल दिया इसके अंदर बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है अनार का अब कुछ नहीं करना बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है देखो मैंने जल्दी जल्दी करके दिखा दिया फिर इसमें मैंने दूध डाल लिया क्योंकि ज़्यादा गाढ़ी लग रही थी अब ये दूध भी जो है इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ मैं इसके अंदर अब अगर आप वेट कर रहे थे कि इसके बाद पता नहीं क्या होना है तो कुछ नहीं होना ये तैयार है रेडी है इसको ठंडा करो फ्रिज में रखो और खाओ फिर तो ये है साबुदाना फ्रूट खीर बहुत ही टेस्टी है इजी है और नवरात्रा स्पेशल रेसिपी है ज़रूरी तो नहीं ना कि जो टेस्टी चीज़ें हैं उन्हें बनाना बहुत डिफिकल्ट हो तो वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में लिखिए जरूर ट्राई कीजिए आजकल नवरात्रे चल भी रहे हैं चटोरी चेतना फैमिली का हिस्सा बने रहने के लिए थैंक यू और वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए ताकि और लोग भी इसे ट्राई कर पाए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में